हेलो फ्रेंड्स, नमस्कार मित्रों, स्वागत है आपका के ऑनलाइन एजुकेशन के इस प्लेटफॉर्म पर। साथियों, आइए देखते हैं हाल के दिनों की कुछ महत्वपूर्ण घटनाएं जो आपके एग्ज़ाम के लिए उपयोगी हैं, और वीडियो को लास्ट तक देखिएगा क्योंकि ये प्रश्न आपके एग्ज़ाम के लिए बहुत ही उपयोगी हैं, चाहे आप किसी भी एग्ज़ाम की तैयारी कर रहे हों। और साथियों, उम्मीद है आपने चैनल को ज़रूर सब्सक्राइब किया होगा, और अगर अभी तक नहीं किया है तो अभी सब्सक्राइब कर दें। चलिए देखते हैं प्रश्नों की श्रृंखला को। हमारा पहला प्रश्न है, आत्मनिर्भरता शब्द को ऑक्सफोर्ड लैंग्वेजेस ने इस वर्ष 2020 के अपने हिंदी शब्द के रूप में नामित किया है। इस शब्द को किसके द्वारा चुना गया था? ऑप्शंस हैं कृतिका अग्रवाल, पूनम निगम, इमोगेन फॉक्सवेल या फिर उपर्युक्त सभी। आइए जानते हैं प्रश्न का सही जवाब क्या है। सही उत्तर है उपर्युक्त सभी। आत्मनिर्भरता शब्द को ऑक्सफोर्ड लैंग्वेजेस ने वर्ष 2020 के अपने हिंदी शब्द के रूप में नामित किया है। इससे पहले वर्ष 2017 में आधार, 2018 में नारी शक्ति और 2019 में संविधान शब्द को हिंदी शब्द के रूप में नामित किया गया था। हमारा अगला प्रश्न है, किसे महात्मा पुरस्कार 2020 से सम्मानित किया गया है? ऑप्शंस हैं सुधीर चौधरी, अभय ओसवाल, नवीन जिंदल या फिर राहुल बजाज। आइए जानते हैं प्रश्न का सही जवाब क्या है। इस प्रश्न का सही उत्तर है नवीन जिंदल। नवीन जिंदल को कोविड-19 महामारी से लड़ने में समुदाय और स्थानीय प्रशासन को सहयोग करने के लिए उनके मानवीय प्रयासों को ध्यान में रखते हुए सम्मानित किया गया। महात्मा पुरस्कार की स्थापना का गठन अमित सचदेवा के द्वारा किया गया था, जिन्हें CSR ऑफ इंडिया के रूप में जाना जाता है। आइए देखते हैं हमारा अगला प्रश्न। तिब्बती आध्यात्मिक नेता दलाई लामा ने अपनी नई पुस्तक द लिटिल बुक ऑफ इनकाउंटर का विमोचन किया, निम्नलिखित में से किसने इसे प्रकाशित किया है? पेंगुइन रैंडम हाउस, मैकमिलन इंडिया लिमिटेड, रैंडम हाउस इंडिया या फिर एस चंद प्रकाशन। प्रश्न का सही उत्तर है पेंगुइन रैंडम हाउस। इस पुस्तक में 130 उद्धरण हैं जिसे रेणुका सिंह द्वारा संपादित किया गया है। अपनी पुस्तक में दलाई लामा ने भारत की समृद्ध सभ्यता की विरासत की प्रशंसा करते हुए इसे करुणा और अहिंसा की परंपरा वाला देश कहा है। दोस्तों, उम्मीद है आपने चैनल को ज़रूर सब्सक्राइब कर दिया होगा, और अगर अभी तक नहीं किया है तो अभी सब्सक्राइब कर दें। हमारा अगला प्रश्न है, नीति आयोग ने एक ग्रीन फील्ड तटीय शहर का निर्माण करके किस द्वीप की रणनीतिक स्थिति और प्राकृतिक विशेषताओं का लाभ उठाने का प्रस्ताव दिया है? स्वराज द्वीप, पम्बन द्वीप, नील द्वीप या फिर लिटिल अंडमान। इस प्रश्न का सही उत्तर है लिटिल अंडमान। नीति आयोग ने एक नए ग्रीनफील्ड तटीय शहर का निर्माण करके लिटिल अंडमान द्वीप की रणनीतिक स्थिति और प्राकृतिक विशेषताओं का लाभ उठाने का प्रस्ताव दिया है। यह एक मुक्त व्यापार क्षेत्र के रूप में विकसित किया जाएगा और सिंगापुर तथा हांगकांग के साथ प्रतिस्पर्धा करेगा। यह योजना नीति आयोग द्वारा सस्टेनेबल डेवलपमेंट ऑफ लिटिल अंडमान आइलैंड विजन डॉक्यूमेंट में उल्लिखित है। भारतीय अमेरिकी वैज्ञानिक भव्या लाल को निम्नलिखित में से किसके कार्यवाहक प्रमुख के रूप में नियुक्त किया गया है? इसरो, जाक्सा, नासा, ESA यूरोपियन स्पेस एजेंसी। तो इस प्रश्न का सही उत्तर होगा नासा। विश्व कैंसर दिवस 2021 का विषय क्या है? आई एम एंड आई विल, वी कैन आई कैन, कैंसर कैन बी क्यूरेबल, नॉट बियॉन्ड अस। सही उत्तर है आई एम एंड आई विल। हर वर्ष 4 फरवरी को विश्व कैंसर दिवस मनाया जाता है। आइए आगे बढ़ते हैं और देखते हैं हमारा अगला प्रश्न। संयुक्त राष्ट्र महासभा ने 4 फरवरी को अंतर्राष्ट्रीय मानव बंधुत्व दिवस के रूप में घोषित करने का निर्णय किस वर्ष किया था? ऑप्शंस हैं 2020 में, 2019 में, 2018 में या फिर 2017 में। प्रश्न का सही उत्तर है वर्ष 2020 में। दिसंबर 2020 में संयुक्त राष्ट्र महासभा ने 4 फरवरी को अंतर्राष्ट्रीय मानव बंधुत्व दिवस के रूप में घोषित करने का निर्णय लिया था। इसका उद्देश्य संस्कृतियों, धर्म, मान्यताओं, सहिष्णुता का प्रचार करना था। यह दिवस 4 फरवरी 2021 को पहली बार ए पासवे टू द फ्यूचर विषय के तहत मनाया गया। आइए आगे बढ़ते हैं और देखते हैं हमारा अगला प्रश्न।
फरवरी 2021 में भारत अमेरिका संयुक्त सैन्य अभ्यास युद्ध अभ्यास का 16वां संस्करण किस राज्य में आयोजित किया जाएगा? ऑप्शंस हैं राजस्थान, गुजरात, पंजाब या फिर हरियाणा। प्रश्न का सही उत्तर होगा राजस्थान। इस अभ्यास का उद्देश्य दोनों सेनाओं के बीच सहयोग को बढ़ावा देना है। यह संयुक्त राष्ट्र के जनादेश के तहत आतंकवाद विरोधी अभियानों पर ध्यान केंद्रित करेगी। इसमें जम्मू और कश्मीर राइफल्स की 11वीं बटालियन दक्षिण पश्चिम कमान का हिस्सा भारतीय सेना का प्रतिनिधित्व करेगी। तो प्रश्न का सही उत्तर हुआ राजस्थान। और साथियों, अगर अभी तक आपने चैनल को सब्सक्राइब नहीं किया है तो प्लीज़ अभी सब्सक्राइब कर लें, और अगर आपको वीडियो पसंद आ रहा है तो इसे लाइक करना ना भूलिएगा। चलिए आगे बढ़ते हैं और देखते हैं हमारा अगला प्रश्न। किस राज्य में उड़ान तारा नामक अनूठा किशोर स्वास्थ्य कार्यक्रम शुरू किया गया है? हमारे ऑप्शंस हैं बिहार, राजस्थान, उत्तर प्रदेश या फिर पश्चिम बंगाल। जानते हैं प्रश्न का सही जवाब क्या होगा। इस प्रश्न का सही उत्तर होगा राजस्थान। 2 फरवरी को राजस्थान के धौलपुर में उड़ान तारा नामक एक अनोखा किशोर स्वास्थ्य कार्यक्रम शुरू किया गया। यह जल्द ही पाठ्यक्रम के हिस्से के रूप में जिले के सभी सरकारी और निजी स्कूलों में छात्रों तक प्रशिक्षित शिक्षकों के माध्यम से पहुंचाया जाएगा। तो प्रश्न का सही उत्तर है राजस्थान। आइए देखते हैं हमारा अगला प्रश्न। इलेक्ट्रिक वाहनों के उपयोग को बढ़ावा देने के लिए किस अभियान को शुरू किया गया है? स्विच इलेक्ट्रिकल इनोवेशन टू ट्रांसपोर्टेशन, स्विच दिल्ली, स्विच हाइब्रिड। आइए जानते हैं प्रश्न का सही जवाब क्या है। सही उत्तर है स्विच दिल्ली। इलेक्ट्रिक वाहनों के उपयोग को बढ़ावा देने के उद्देश्य से दिल्ली के मुख्यमंत्री अरविंद केजरीवाल ने स्विच दिल्ली अभियान की शुरुआत की है। तो प्रश्न का सही जवाब हुआ स्विच दिल्ली। आइए आगे बढ़ते हैं और देखते हैं हमारा अगला प्रश्न क्या है। किस राज्य की नैशम गांव में एक भारतीय कौशल संस्थान की स्थापना की जा रही है? ऑप्शंस हैं गुजरात, उत्तर प्रदेश, कर्नाटक या फिर तमिलनाडु। आइए देखते हैं प्रश्न का सही जवाब क्या है। इस प्रश्न का सही उत्तर है गुजरात। गुजरात सरकार गांधीनगर के इस गांव में भारतीय कौशल संस्थान की स्थापना करने जा रही है। राज्य के श्रम और रोजगार मंत्रालय टाटा ग्रुप के साथ मिलकर बिना लाभ के PPP मॉडल पर इस संस्थान का गठन करने जा रही है। तो प्रश्न का सही उत्तर होगा गुजरात। ये देखते हैं हमारा अगला प्रश्न। RBI ने किस उद्देश्य के लिए एकीकृत लोकपाल योजना की घोषणा की है? ऑप्शंस हैं बैंक ग्राहकों के लिए शिकायत निवारण तंत्र में सुधार करना, गैर बैंकिंग वित्तीय कंपनी के लिए वित्तीय सहायता करना, बैंकिंग संगठन की गैर निष्पादित संपत्तियों को कम करना, विदेशी व्यापार मुद्रा की निगरानी करना। इस प्रश्न का सही जवाब होगा बैंक ग्राहकों के लिए शिकायत निवारण तंत्र में सुधार करना। और इस तरह से ऑप्शन 1 सही ऑप्शन हुआ। और इस योजना को जून 2021 में शुरू किया जाएगा। ये देखते हैं हमारा अगला प्रश्न। CBI के अंतरिम प्रमुख के रूप में किसे नियुक्त किया गया है? ऑप्शंस हैं प्रवीण सिन्हा, RK शुक्ला, ओम प्रकाश गुप्ता या फिर अरुण गोयल। जानते हैं प्रश्न का सही जवाब क्या होगा। प्रश्न का सही उत्तर है प्रवीण सिन्हा। वर्तमान में CBI के अतिरिक्त निदेशक प्रवीण सिन्हा को 2 फरवरी 2021 को इसके अंतरिम प्रमुख के रूप में नियुक्त किया गया है। तो प्रश्न का सही उत्तर हुआ प्रवीण सिन्हा। ये प्रश्न उपयोगी है और एग्जाम में पूछा जा सकता है। हमारा अगला प्रश्न है, प्रधानमंत्री नरेंद्र मोदी ने 4 फरवरी को 2021 के उत्तर प्रदेश के गोरखपुर में चौरी चौरा शताब्दी समारोह का उद्घाटन किया है। चौरी चौरा की घटना को कितने वर्ष पूरे हो गए हैं? 100 वर्ष, 110, 80 या फिर 90। वैसे तो इस प्रश्न से ही आंसर का पता चल रहा था, फिर भी सही उत्तर है 100 वर्ष। प्रधानमंत्री नरेंद्र मोदी ने 4 फरवरी को उत्तर प्रदेश के गोरखपुर के चौरी चौरा शताब्दी समारोह का उद्घाटन किया। इसी दिन चौरी चौरा की घटना के 100 वर्ष पूरे हुए हैं। आइए आगे बढ़ते हैं और देखते हैं हमारा अगला प्रश्न। हमारा अगला प्रश्न है, कलीवली आर्द्र भूमि को पक्षी अभयारण्य घोषित करने के लिए एक बड़े कदम के रूप में किस जिला प्रशासन ने
वन्य जीव संरक्षण अधिनियम 1972 के तहत पहली घोषणा जारी की है। पेरम्बलूर, विल्लुपुरम, रानीपेट या फिर कडलूर, आइए जानते हैं प्रश्न का सही जवाब क्या है। देखते हैं प्रश्न का सही उत्तर। सही उत्तर है विल्लुपुरम। कलिवली आर्द्र भूमि को पक्षी अभयारण्य घोषित करने के लिए यह घोषणा जारी की गई है। कलिवली पुलकित झील के बाद दक्षिण भारत की दूसरी सबसे बड़ी खारे पानी की झील है और यह तमिलनाडु में अवस्थित है। तो इसके साथ आपको दो तीन प्रश्न अलग तरीके से घूमकर मिल सकते हैं, इसलिए इसको आप डिटेल में याद रखिएगा। हमारा अगला प्रश्न है, प्रधानमंत्री नरेंद्र मोदी ने किस उच्च न्यायालय की स्थापना के 60 वर्ष के पूरे होने पर एक स्मारक डाक टिकट जारी किया है। ऑप्शंस हैं कर्नाटक हाई कोर्ट, दिल्ली हाई कोर्ट, गुजरात हाई कोर्ट या फिर बम्बई हाई कोर्ट। जानते हैं प्रश्न का सही जवाब क्या होगा। प्रश्न का सही उत्तर है गुजरात हाई कोर्ट। प्रधानमंत्री नरेंद्र मोदी ने 6 फरवरी 2021 को गुजरात उच्च न्यायालय की हीरक जयंती के उपलक्ष्य में आयोजित एक कार्यक्रम को संबोधित किया। 1960 में तत्कालीन बम्बई राज्य से गुजरात राज्य की स्थापना होने के पश्चात गुजरात उच्च न्यायालय की स्थापना की गई थी। तो प्रश्न का सही जवाब है गुजरात हाई कोर्ट। हमारा अगला प्रश्न है, शिक्षा मंत्रालय ने मंत्रालय के समग्र शिक्षा के तहत वित्त पोषित आवासीय विद्यालयों और छात्रावासों का नाम निम्नलिखित में से किसके नाम पर रखने का तय किया है। भगत सिंह, नेताजी सुभाष चंद्र बोस, बी आर अम्बेडकर या फिर स्वामी विवेकानंद, आइए जानते हैं प्रश्न का सही जवाब क्या होगा। सही उत्तर है नेताजी सुभाष चंद्र बोस। मंत्रालय आश्रय और देखभाल की आवश्यकता वाले बच्चों के लिए पहाड़ी इलाकों में और काफ़ी कम आबादी वाले क्षेत्रों में राज्यों और केंद्र शासित प्रदेशों को स्कूल और छात्रावास खोलने व चलाने के लिए वित्तीय सहायता प्रदान करता है, जिससे सार्वभौमिक नामांकन को सुनिश्चित किया जा सके। हमारा अगला प्रश्न है, कौन सा राज्य ई कैबिनेट आवेदन को लागू करके कैबिनेट के सारे काम को कागज रहित करने वाला देश का पहला राज्य बन गया है। हिमाचल प्रदेश, महाराष्ट्र, असम या फिर तेलंगाना, देखते हैं प्रश्न का सही उत्तर क्या होगा। सही उत्तर है हिमाचल प्रदेश। हिमाचल प्रदेश ई कैबिनेट आवेदन को लागू करके कैबिनेट के सारे काम को कागज रहित करने वाला देश का पहला राज्य बन गया है। मुख्यमंत्री जयराम ठाकुर ने 5 फरवरी 2021 को शिमला में पहली ई कैबिनेट का उद्घाटन किया। तो साथियों, उम्मीद है आपने वीडियो को पसंद किया होगा और सभी प्रश्नों को नोट कर लिया होगा। और अगर अभी तक आपने चैनल को सब्सक्राइब नहीं किया है तो ज़रूर सब्सक्राइब कर लें, और वीडियो अगर आपने पसंद किया है तो इसे लाइक करना ना भूलिएगा। आज के लिए इतने रहने देते हैं, थैंक यू।